नमस्कार, मेरा नाम संदीप दिवाकर है और देख रहे दिवाकर बड़े चैनल। मैं तुम लोग आज बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि अभी 11 मई से राम मंदिर में खुदाई का काम चालू है, समतलीकरण चालू है। वहाँ पे जब खुदाई किया गया जेसीबी के द्वारा, वहाँ पे बहुत सारे पुराने मूर्तियाँ मिली। शायद उस जमाने की मूर्तियाँ हैं जब बाबर ने हमारे देश पे राम मंदिर पर आक्रमण करके उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब वहाँ पे मानते थे कि वहाँ पे मंदिर है ही नहीं, मंदिर था ही नहीं, वहाँ पे मस्जिद था, तो उनके लिए एक मुंह पे जोरदार तमाचा है। बहुत से लोग यही मान रहे थे कि वहाँ पे है ही नहीं, मंदिर था ही नहीं। बहुत से भी जब वो अदालत में फैसला सुनाया गया तो बहुत से मतलब सबूत हमारे तरफ थे, राम मंदिर की तरफ थे, और मस्जिद पर कोई भी नहीं था। तो इसके यह पता चलता है कि कितने मतलब बहुत कितने सारे आक्रमण किए हुए अपने देश में, बहुत सारे। अभी अपने भारत देश में बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, कुछ जगह पे तो जितने बड़ी बड़ी मस्जिद है, साथ वहाँ पे भी मुग़लों के टाइम मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जैसा कि ये देखो बहुत सारे फोटोज है जो कि राम मंदिर के निर्माण में निकला गया है खुदाई के। वहाँ पे 5 फीट का शिवलिंग मिला, बहुत सारे पुराने मंदिर मिले, टूटे फूटे प्राचीन मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं बहुत सारे। इससे साफ पता चलता है कि वहाँ पे मंदिर था, राम मंदिर था, जिसे तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया गया। भारत में बहुत सारे मस्जिद है, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा। और जो इस पे सवाल उठा रहे थे कि वहाँ पे मंदिर नहीं था, मस्जिद था, तो भाई आप लोगों के सामने आप लोग देखो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।